बिलासपुर में कर्मचारी संगठन एनजीओ फेडरेशन का राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन का आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर एनजीओ फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब राज्य पर आधारित वेतन व भत्तों की अपेक्षा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की वर्तमान समय की पुकार है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से आग्रह किया कि शीघ्र कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हमीरपुर जिला के राजकीय पाठशालाओं के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारियों के उद्देश्य से समर क्लासेस के रूप में प्रारंभ किए गए कायाकल्प कार्यक्रम का दूसरा चरण स्कूल स्तर पर आगे भी जारी रहेगा। पाठ्यक्रम में समरूपता लाते हुए मासिक आधार पर परीक्षा के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए राजकीय पाठशालाओं के ही साइंस टीचर की सहायता ली जाएगी। इस संदर्भ में कांगू, हमीरपुर, भोरंज, नादौन, सुजानपुर, बिजड़ी तथा बनी क्लस्टर के प्रधानाचार्यों की एक बैठक उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपनिदेशक उच्च शिक्षा जसवंत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 28 जुलाई को इन सभी केंद्रों में नामांकित जमा एक तथा जमा दो कक्षा के बच्चों का कंबाइंड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत 5 अगस्त को जिला की सभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जमा एक तथा जमा दो कक्षा के साइंस छात्रों की अलग से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें समर क्लासेस लगाने वाले छात्रों के साथ साथ अन्य छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कायाकल्प कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्कूलों में दैनिक शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान भी इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह तैयारियां करवाई जाएं, इसकी व्यापक रूपरेखा तय की जा रही है। सर्वप्रथम राजकीय पाठशालाओं के विज्ञान संकाय के सभी विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के प्राध्यापकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दो चरणों में होने वाले इन दो दिवसीय कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम में समरूपता लाने तथा अन्य पहलुओं पर चर्चा कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रति माह के लिए सिलेबस तय कर उसी के आधार पर माह में एक बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहला ओरिएंटेशन कार्यक्रम 4 तथा 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है। इसमें शिक्षकों के साथ कायाकल्प कार्यक्रम के दूसरे चरण पर व्यापक चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि समर क्लासेस में अभी तक शिक्षा विभाग व निजी संस्थानों सहित अन्य विभागों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी सभी प्राध्यापक अपना अमूल्य सहयोग देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी इस जिला के सरकारी स्कूलों के छात्रों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने नूरपुर के चौगान बाजार का औचक निरीक्षण किया। काफी समय से दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर दुकानों का सामान रख रहे थे। कई बार उन्हें बोला गया लेकिन दुकानदार तस से मस नहीं हुए। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने चौगान बाजार का
औचक निरीक्षण कर जिन दुकानदारों ने दुकानों का सामान अपनी दुकानों से बाहर रखा हुआ था उनको तुरंत सामान दुकानों के अंदर रखने को कहा। दुकानदारों ने दुकानों का सामान तुरंत अपनी दुकानों के अंदर रख दिया। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों का सामान दुकान से बाहर रख रहे हैं, जिस कारण चौगान बाजार में हर समय जाम लगा रहता है। निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान दुकानों के बाहर सड़क तक रख दिया है, जिससे सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा रहता है। दुकानदारों को तुरंत सामान दुकान के अंदर रखने के आदेश दिए और कहा कि अगर दोबारा उनकी दुकानों का सामान सड़क पर रखा गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।